नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। पटना एयरपोर्ट से रात में उड़ने वाली कई फ्लाइटें हुई रद्द। शराबबंदी मुद्दे के बीच तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा धमाका। जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन करेंगे लालू प्रसाद यादव। जनवरी से पहले नहीं आएगा माध्यमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2022 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं की वार्षिक परीक्षा अगले साल 17 फरवरी को होगी और यह 24 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक ली जाएगी। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक मैट्रिक से पहले ही इंटर की परीक्षा ले ली जाएगी। इंटर की परीक्षा की शुरुआत पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी विषय के साथ होगी, तो वहीं दूसरी तरफ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के पहले दिन यानी कि 17 फरवरी 2022 को मैथ विषय की ही परीक्षा होगी, तो वहीं होम साइंस, संगीत, नृत्य व दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रायोगिक परीक्षा 20 जनवरी से 22 जनवरी के बीच लिया जाएगा। आपको बताते चले कि परीक्षा शुरू होने से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से रात में उड़ने वाली कई फ्लाइटें हुई रद्द। पटना एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए काम की खबर है। अगर आप भी यात्रा करना चाहते हैं तो यह खबर जान लें, क्योंकि यहां से देर रात उड़ने वाली 7 जोड़ी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जिन उड़ानों को रद्द किया गया है उनमें सभी इंडिगो की है, जिसमें पटना से दिल्ली के लिए रात के 11:55 पर और रात 1:30 की फ्लाइट बेंगलुरु की रात 11 और 2:05 की फ्लाइट हैदराबाद की रात 1:40 और मुंबई की रात 10:30 वाली फ्लाइट है, और साथ ही अहमदाबाद की शाम 7:30 के करीब की फ्लाइट भी बंद कर दी गई है। फ्लाइट रद्द होने के बाद से अब यहां से 65 जोड़ी उड़ानों के बजाय 58 जोड़ी उड़ानों की ही आवाजाही हो रही है। हालांकि अगले महीने ठंड को देखते हुए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसके बाद कुछ और उड़ानें रद्द हो सकती है, तो वहीं कुछ की टाइमिंग बदली जाएंगी। रद्द होने के बाद अब दिल्ली के लिए पहला विमान सुबह में गो एयर का है, जो कि पटना से 7:45 पर उड़ान भरेगा, जबकि आखिरी फ्लाइट इंडिगो की रात 10:40 पर है। शिक्षा से जुड़ी योजनाएं बनाने में अब बच्चों के माता पिता की भी होगी भागीदारी। यूं तो बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक फ्रेम देने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, मगर अब बच्चों के पेरेंट्स से भी इस काम में सहयोग लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को बनाते वक्त बच्चों के माता पिता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अभिभावक इन योजनाओं को बनाते समय जरूरी सलाह दे सकते हैं, जिन्हें माना जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी राज्य सरकारों को नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर अमल करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए बिहार शिक्षा विभाग ने अभी से विद्यालयों में आयोजित शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। बताते चले कि अभिभावकों की सलाह मशवरे जानने के बाद यह समझने में आसानी होगी कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार मदद करते हैं। राज्य के इन बीएड कॉलेजों में पहली बार हुआ शत प्रतिशत नामांकन। सूबे में सत्र 2021-23 के बीएड कोर्स में नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। यह काउंसलिंग 4 राउंड चली थी, जिसके तहत राज्य के 342 बीएड कॉलेजों व संस्थानों की 37,350 सीटों के लिए एडमिशन होना था, जिसमें से 37,169 सीटों पर नामांकन हुआ है। इसे लेकर नोडल विश्वविद्यालय LNMU के कुलपति ने खुशी जाहिर की है और बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के 14 में से 10 बीएड कॉलेजों व संस्थानों की सीटों पर शत प्रतिशत नामांकन हुआ है। इसके लिए उन्होंने राज्यपाल का भी आभार व्यक्त किया है, साथ ही टीम को भी बधाई दी है। बताते चले कि LNMU की तरफ से ही 2 वर्षीय बीएड कोर्स में नामांकन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। बिहार में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं इस दौरान 4 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा पटना से 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं मुजफ्फरपुर से 1 मरीज मिले हैं। वहीं बात अगर रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। सूबे में आज सुबह कई जगहों पर ठंड बढ़ गई। बादल की ओट में धूप के छिपे रहने के कारण सुबह काफी देर तक मौसम में ठंडापन महसूस किया गया, तो वहीं आने वाले 48 घंटे में पटना में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिनों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर के ऊपरी हिस्से में निम्न हवा के दबाव की वजह से वहां से विस्तारित बादलों का प्रभाव देश के मैदानी हिस्से से होते हुए बिहार तक पहुंच रहा है। इसके प्रभाव से पटना, गया, बेगूसराय सहित बिहार
बिहार के सभी हिस्से में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और इस दौरान 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रुक रुक कर हवाएं चल रही हैं, जिससे दिन और रात में सर्दी बढ़ गई है। दिसंबर से पहले लक्ष्य पूरा होने के बाद अब अगला टारगेट लेगी सरकार। बिहार सरकार ने 21 जून को ही ऐलान किया था कि 6 महीने यानी कि 31 दिसंबर से पहले बिहार में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और यह काम स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर से पहले ही पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब विभाग नए टारगेट के लिए जुट गई है। इसके तहत अब वैसे बचे कुचे लोगों को घूम घूम कर टीका लगाया जा रहा है जिन्होंने अब तक पहली या दूसरी डोज नहीं ली है। सरकार वोटर लिस्ट के आधार पर भी पहचान करते हुए लोगों को वैक्सीन दे रही है। विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 7.41 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 5.21 करोड़ लोगों ने अब तक वैक्सीन की पहली डोज ली है, जबकि दूसरी डोज लेने वालों की संख्या भी 2.20 करोड़ के पार हो गई है। दरभंगा के राकेश बहरीन में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। बिहार की प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है और इस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है, जो कि भारत का प्रतिनिधित्व यूएई के बहरीन में करेगा। बताते चले कि बहरीन में आयोजित यूथ एशियन पैरालंपिक गेम्स 2021 में भारतीय टीम के लिए दरभंगा के राकेश कुमार को चुना गया है। उन्हें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी टीम की सूची में 36वें और बैडमिंटन टीम के 13वें नंबर पर रखा है। बताते चले कि लहेरिया सराय के रहने वाले राकेश कुमार, जो 3 महीने की उम्र में ही उन्हें पोलियो हो गया था, जिसके बाद दाहिना पैर पोलियो से 50% प्रभावित हो गया था, लेकिन परिवार के हौसले से राकेश ने अपनी कमजोरी को ही अपनी मजबूती बना लिया और आज वे अपने देश का प्रतिनिधित्व करके बिहार का भी नाम रोशन करने वाले हैं। बताते चले कि यह टीम 26 नवंबर को रवाना होगी। जनवरी से पहले नहीं आएगा माध्यमिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल। 6वें चरण में माध्यमिक शिक्षक नियोजन का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यह साफ कर दिया है कि माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं होगा। आपको बताते चले कि हाल में जारी किए गए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के शेड्यूल के बाद से ही माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जनवरी से पहले यह शेड्यूल जारी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन शेड्यूल को भी पंचायत चुनाव की से बदले जाने की संभावना लग रही है। यह 14 दिसंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई जिलों ने अपनी आपत्ति शिक्षा विभाग को भेजी है, जिसमें यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव की मतगणना की वजह से 14 और 15 दिसंबर को कई जिलों में परेशानी हो सकती है। शराबबंदी मुद्दे के बीच तेज प्रताप यादव ने किया बड़ा धमाका। इस महीने की शुरुआत से ही शराबबंदी को लेकर बिहार में खूब राजनीति हुई है। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आई बिहार सरकार ने लंबी समीक्षा बैठक भी की और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के कई आदेश भी जारी किए, मगर अब सरकार की मंथन बैठक के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने हाल में जो किया है वो बड़ा ट्विस्ट लाने वाला है। दरअसल तेज प्रताप ने पटना में राह चलते नशे में धुत एक युवक और उसके साथ उसके छोटे बेटे का वीडियो जारी किया है, जिसमें उस नशेड़ी व्यक्ति को उसका बेटा संभाल रहा है ताकि वह गिर ना जाए। इस वीडियो में आगे तेज प्रताप यादव उस छोटे बच्चे से सवाल जवाब भी करते नजर आए और कहा कि किसी भी प्रकार की मदद के लिए उनके पास आने को कहा। वीडियो को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को बुरी तरह से घेरे में लिया और शराबबंदी कानून को पूरी तरह असफल बताया। चिराग पासवान के पटना आवास पर हुई महत्वपूर्ण पार्टी मीटिंग। लोजपा रामविलास पार्टी के मुखिया चिराग पासवान के पटना स्थित श्रीकृष्णपुरी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। इस बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष व विधान पार्षद एवं पूर्व प्रत्याशी के अलावा प्रदेश के नेतागण भी मौजूद रहे। बैठक में नए सिरे से प्रदेश कमेटी का गठन के बारे में चर्चा हुई, जिसकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। आपको बताते चले कि लोजपा के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आगामी 28 नवंबर को लोजपा का अपना दिवस है, जिसे धूमधाम से मनाने की तैयारी के विषय में भी विचार विमर्श किया गया है। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज शाम पटना पहुंचने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के स्थापना दिवस पटना के ज्ञान भवन में मनाने की तैयारी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बेंगलोर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुए शामिल। जीएसटी काउंसिल की तरफ से दर युक्तिकरण एवं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सुधार के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है, जिसके लिए एक बैठक आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी हिस्सा लेने के लिए बीते दिन ही पहुंच गए। बताते चले कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई की अध्यक्षता में गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी सदस्य हैं। बता दें कि जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे माल के मुकाबले कम होती है तो उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है और ऐसे मामलों के सुधार और निराकरण के लिए ही यह मंत्री समूह बनाया गया है।
जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन करेंगे लालू प्रसाद यादव। देश की सियासत में लंबे समय के बाद लालू यादव का आंदोलन दिख सकता है। उपचुनाव के कारण जो जातिगत जनगणना का मामला दब चुका था वो एक बार फिर से उठ चला है, जिसके तहत चल रही सियासत के बीच अब आरजेडी सुप्रीमो ने यह ऐलान किया है कि वे अब जाति के आधार पर जनगणना कराए जाने को लेकर आंदोलन करेंगे। लालू प्रसाद ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिनके लिए सशक्त आंदोलन की जरूरत है, खास करके जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर व्यापक आंदोलन करना होगा। केंद्र सरकार को जाति जनगणना करानी होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता पिस रही है, देश को बेचा जा रहा है, इन सब के लिए आंदोलन करना होगा। साथ ही जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी आंदोलन होगा। मगध यूनिवर्सिटी के भ्रष्ट वीसी को लेकर सियासत हुई तेज। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद के पास से 30 करोड़ की अवैध संपत्ति मिलने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। इसमें अब नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच सबसे पहले भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मुंह खोला है। इसका जिम्मेदार उन्होंने राजभवन को ठहराया है। भाजपा विधायक ने कहा कि राजभवन के अधिकारियों की गलती के कारण ही ऐसे सम्मानित जगहों को भी लोग अब संशय की नजर से देखने लगे हैं, जिसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति में सरकार की भूमिका नहीं है, यह सारी नियुक्ति राजभवन से की जाती है। इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के दूसरे मैच में दिखा शर्मा और राहुल का धमाका। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में बीते दिन भारतीय टीम ने लगातार 2 जीत के साथ 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इस जीत में कप्तान और उपकप्तान की ओपनिंग जोड़ी का बड़ा योगदान रहा। कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान केएल राहुल ने दूसरे मुकाबले में दमदार अर्धशतक जमाया। पहले मैच में भी दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। तो वहीं बताते चले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में रोहित राहुल की जोड़ी ने शतकीय साझेदारी कर पाकिस्तानी जोड़ी की बादशाहत भी अब खत्म कर दी। अब T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने के मामले में रोहित और राहुल की जोड़ी नंबर 1 पर आ गई है। रोहित ने इससे पहले भी शिखर धवन के साथ 4 बार ऐसा किया था, जो कि भारतीय रिकॉर्ड था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार शराबबंदी को लेकर बैठक के बाद आपके आसपास के क्षेत्रों में इसे रोकने को लेकर प्रशासन पहले से ज्यादा सख्त हुई है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।